नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे मार्केट जैसी एक महंगी बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप केवल 3 सामान के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े बाउल में 3 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ताजे नारियल को कद्दूकस करने में मेहनत थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का यूज कर रही हूँ। चूंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई है, इसलिए इसमें मॉइस्चर लाने के लिए दूध का यूज करेंगे। पौन कटोरी दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध डालने से नारियल का बोरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट ताजे नारियल की तरह ही आएगा। इसके लिए मैंने पहले से ही बॉईल किया हुआ रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है। दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसे मिक्स करते जाएं। इसे सोक करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, दूध डालने से ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम रेस्ट पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी रूम टेम्परेचर वाला दूध, मैंने गैस को अभी ऑन नहीं किया है, 3 चम्मच मलाई। मलाई ऐड कर लेने से इस मिठाई का टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। अब 1 चम्मच से इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें गुठलियाँ या लम्स बिल्कुल भी ना रहे। इन्हें मिक्स कर लिया है, अब गैस को ऑन कर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे इस मिश्रण को हम चलाते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। इस समय हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से केसर के रेशे। इससे इस बर्फी में कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। इस मिश्रण को 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। दूध वाले इस मिश्रण का टेक्सचर रबड़ी के जैसा हो गया है, तो इस समय हम इसमें नारियल और दूध वाला मिश्रण धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। इन सभी को फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। पकाने के इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें कहीं पर भी हाई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर पैन के तली में बहुत जल्दी चिपकने लगता है। मिश्रण को पकाते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मिठास के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी शक्कर बूरा। शक्कर का बूरा एक हेल्दी ऑप्शन होता है, इसलिए मिठास के लिए मैं चीनी की जगह बूरा का यूज करती हूँ। बूरा डालकर इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। बर्फी का कलर हल्का पीला रंग का हो, इसलिए मैं इसमें ऐड करूंगी 5 से 6 बूंद पीला रंग। देखिए, बर्फी जमाने के लिए इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आखिर में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर, इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बर्फी जमाने के लिए मैंने यहाँ पर बर्फी वाला ट्रे लिया है। अब इसे घी से ग्रीस कर देंगे। घी से ग्रीस किए हुए ट्रे पर अब ये बर्फी वाला मिश्रण डाल देंगे। मिश्रण अभी हमारा बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसे फटाफट से हम इस ट्रे के ऊपर सेट कर लेंगे। अब एक स्पैचुला लेंगे और इसे चारों तरफ से हल्के हाथों से दबाते हुए सेट कर देंगे। बर्फी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसे चांदी के वर्क से गार्निश करूंगी और ऊपर से बारीक कटा हुआ पिस्ता भी इसमें डाल देंगे। तो आपने देखा ना, घर पर ही कितने कम सामान के साथ और बहुत आसानी से मार्केट वाली महंगी बर्फी को हमने घर पर तैयार कर लिया। अब इस बर्फी को सेट होने के लिए हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बर्फी अच्छे से सेट हो गई है, अब इसे शेप देने के लिए कट कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। और ये देखिए, हलवाई स्टाइल वाली नारियल की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बर्फी तोड़कर दिखा रही हूँ। देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये बर्फी अंदर से कितनी सॉफ्ट है और इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। ये बर्फी दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी है। तो इस दीपावली पर आप भी अपने घर पर नारियल बर्फी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये हर किसी को बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।